बिहार में लगातार पुल गिर रहा है, आज भी नागपुर पे पुल गिरा है। उसका जांच करावे, सब घटिया काम किया है। लगातार से देश में रेल हादसा हो रहा है, बहुत हो रहा है। आज भी रेल हादसा हुआ है साबरमती एक्सप्रेस, सब हो रहा है इसके राज्य। सर, तेजस्वी यादव राघोपुर के दौरा पे गए हुए थे, क्या लग रहा है, तैयारी अच्छी चल रही है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए? बाढ़ आया है इसलिए पूरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूँ आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, आज जो है राजद सुप्रीमो लालू यादव दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली पहुंचे हैं अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ, और चर्चा ये है कि वो अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए सिंगापुर जाने वाले हैं। जी हाँ, सिंगापुर में ही उनकी बेटी रोहिणी आचार्य रहती हैं, और तब वो सुर्खियों में आ गई थी जब उन्होंने अपना किडनी जो है वो डोनेट किया था अपने पिता लालू यादव को, जिसको लेकर के वहाँ चर्चा ये है कि डॉक्टर्स से रूटीन चेकअप करवाने के लिए लालू यादव दिल्ली से सिंगापुर जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो है मीडिया ने लालू यादव से कुछ सवाल किया है, आज जिस तरीके से भागलपुर में सुल्तानपुर और अगवानी के बीच बन रहा जो पुल वो धराशायी हो गया, निर्माणाधीन पुल, इसको लेकर के सवाल किया है कि बिहार में पुल गिर रहे हैं, जिसको लेकर के लालू यादव ने ये बातें कही हैं कि जाँच का विषय है, जाँच कराना चाहिए। साथ ही साथ तेजस्वी यादव जिस तरीके से राघोपुर का दौरा कर रहे हैं नाव से, जिसको लेकर के भी लालू यादव ने बयान दिया है, तो क्या कुछ कहते हुए लालू यादव नजर आ रहे हैं, आप भी सुनिए। आप लोग मत घबराइए, हम लोग कर लेंगे। सर, बिहार में लगातार पुल गिर रहा है, आज भी नागपुर पे पुल गिरा है, उसका जांच करावे, सब घटिया काम किया है। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि आप लोगों के टाइम में सब गिरा था, अगर कार्रवाई हुई होती तो आज ऐसा नहीं होता, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है। विजय सिन्हा तो उल्टा पुल्टा सब बोलता रहता है लगातार से, देश में रेल हादसा हो रहा है, बहुत हो रहा है, आज भी रेल हादसा हुआ है साबरमती एक्सप्रेस, सब हो रहा है इसके राज्य। सर, तेजस्वी यादव राघोपुर के दौरा पे गए हुए थे, क्या लग रहा है, तैयारी अच्छी चल रही है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए? बाढ़ आया है इसलिए पूरे बिहार की यात्रा पे भी तेजस्वी यादव जा रहे हैं। सर, पूरा 2025 की तैयारी है, मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। सर, रेल मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, जो हादसा हो रहा है उस पर मांगने से क्या फायदा। तो आपने सुना कि लालू यादव ने पुल गिरने को लेकर कहा है कि जांच होना चाहिए, साथ ही साथ तेजस्वी यादव जो राघोपुर का दौरा कर रहे हैं, जिसको लेकर के उन्होंने कहा है कि बिहार में बाढ़ आया हुआ है, इसको लेकर के अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और 2025 के चुनाव की तैयारी को लेकर के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि पूरी तैयारी है हमारी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है, दर्श न्यूज के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।